ठाकुर दीदी प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर रीता उपमन्यु द्वारा इंद्रपुरी कॉलोनी किशनगंज निधि नगर विष्णुपुरी कॉलोनी के रुके हुए सड़क निर्माण के कार्य को विभिन्न गतिरोध को पूर्ण विराम देते हुए कॉलोनी वासियों की समस्या सुनने के बाद उसको समझने के बाद कॉलोनी प्रतिनिधि राजेंद्र प्रजापति जी के अनुरोध पर तमाम संबंधित PWD के अधिकारियों को तत्काल मौके पर बुलाया और कॉलोनी वासियों की परेशानी का हल तुरंत निकालने के लिए कहा गया। वहीं PWD के अधिकारियों ने भी कॉलोनी वासियों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया और तुरंत काम चालू करने का आदेश दिया। अब कॉलोनी वासियों की एक ही समस्या बाकी रह गई है जो कि जलभराव की है, जो पूरे चारों पांचों कॉलोनियों की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए कॉलोनी वासियों ने विधायक मंत्री उषा ठाकुर जी से कहा कि हमारी इस समस्या का अभी तुरंत समाधान करवें। उसके लिए भी प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर रीता उपमन्यु जी ने आश्वासन दिया है कि सर्वे करने के बाद नाली निर्माण हेतु यथासंभव प्रयास किए जाएंगे। ऐसा आश्वासन दिया है, कुछ न कुछ समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। जल्द से जल्द मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एवं कॉलोनी वासियों ने वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल को भी कार्य शुरू होने पर आभार जताया। ज्ञात रहे वॉइस ऑफ राइट्स ने प्रमुखता से इस मुद्दे को 7 अक्टूबर 2020 को उठाया था। वॉइस ऑफ राइट्स जब तक वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल ही एक ऐसा न्यूज चैनल है जब तक मुद्दा कंप्लीट नहीं हो जाता, उसका हल नहीं निकल जाता, तब तक उस मुद्दे को भूलते नहीं हैं और संबंधित अधिकारियों को भूलने भी नहीं देते हैं। यही खूबी है वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल की। बात हो रहा आप, मैं न्यू, हमारा चैनल है वॉइस ऑफ राइट्स जो है, जिसने आवाज आप लोगों की आवाज को उठाया था। वर्मा जी आप कॉन्ट्रेक्टर हैं, हो गया सब सोल्यूशन सर? सब बढ़िया, आशीर्वाद से, साईं बाबा के आशीर्वाद से सब सोल्यूशन हो जाता है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इनका भाई साहब कहना है, आप SDO PWD, उनका ऐसा कहना है कि ये पूरा छील के अपन को फिर भराई तो करेंगे। ये लेवल में रोड बनाने वो लेवल की रोड अपनी हद तक की है, वो जो आ रही है पीछे रोड यहाँ तक की अपन बोर्ड में देखी। पीछे से आने में ये जो है ना वो टेप है क्या? हाँ टेप दे दो ना, एक मिनट। सॉरी, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए महू से सुनील रावत की रिपोर्ट।